फ्रेंड्स नमस्कार हाजिर हूँ मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने माई कैपिटल एट नाइन पर तो आज हम बात करेंगे मार्केट के टाइम की कुछ लोग क्या गलती करते हैं खासकर जो नए लोग हैं या जो इस मार्केट से अनजान हैं वो मार्केट को टाइम करने लगते हैं टाइम करने का मतलब वो ये सोचते हैं कि मार्केट अब यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा ऊपर होगा नीचे होगा तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी और इसी आधार पर हम बहुत ज़्यादा कभी मिस्टेक्स कर देते हैं लॉस खाते हैं मार्केट के अंदर मार्केट अपनी चाल पे चलेगा और वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चलता है पूरे वर्ल्ड के बिजनेस के हिसाब से पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं हो जाती हैं दुनिया के अंदर जैसे अभी हाल ही में कोविड आया था या कोई कहीं पर वॉर हो गया यूक्रेन वॉर हो गया सपोज़ एग्जांपल के लिए तो इस प्रकार से मार्केट की जो है गति तय होती है और वो अपने उस हिसाब से चाल में रहता है कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी बहुत ज़्यादा घट जाता है कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग क्या करते हैं थोड़े बहुत शेयर लिए थोड़े बहुत अमाउंट के और बस देखना शुरू कर देते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारे और आपके अनुमान से मार्केट नहीं चलता बल्कि इससे ज़्यादा हम अपना फ़ोकस कहाँ पर रखें हम अपना फ़ोकस रखें कि हमको क्या लेना है कब लेना है और कितना लेना है बस दैट्स ऑल अच्छी कंपनी लीजिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए पहने स्टॉक्स या जो खराब कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है बिज़नेस ठीक नहीं है बिज़नेस उनका फ्यूचर नहीं है वो वाले स्टॉक्स से दूर रहिए अच्छे स्टॉक्स ले करके और अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके यहाँ पर अपना गोल डिसाइड कीजिए और शेयर लीजिए सिर्फ शेयर लेकर के और मार्केट को टाइम करते रहना तो वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत सोच भी नहीं सकते हम तो इसलिए हम अपने छोटे से अमाउंट को अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टाइम के लिए तो ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बारीक जानकारी है शेयर मार्केट की और ऐसे ही एक छोटी सी या अच्छी जानकारी के साथ मैं नए वीडियो पर फिर हाजिर हूँगा तब तक के लिए धन्यवाद